हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है और ये देखिए प्रिंसेस मेरे साथ ऊपर आई है टेरेस पे। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करने आए हैं हम लोग। और ये देखो बिल्ली बैठ के देख रही है कि ये क्या कर रही है। इसको थोड़ा सा ना, ये वहाँ बैठी थी लास्ट में उधर, फिर इसको कुछ अनयूजुअल यहाँ पर दिखा तो इधर आके बैठ गई। ध्यान दे रही है क्या हो रहा है ये। सो गाइस, मेरे को अपने व्लॉग की शुरुआत टेरेस से करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्चुअली माहौल ही इतना अच्छा होता है और मौसम इतना प्यारा हो रहा है। बिल्कुल भी धूप नहीं है और फॉग छाई हुई है हल्की हल्की, ये देखिए। सो मुंबई में अगर किसी को फॉग देखनी है तो मड आइलैंड ज़रूर आए और दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस और इट्स वेरी गुड। हम लोग अपने फेवरेट प्लेस पर ही रहते हैं। सो शुरुआत कर देते हैं। ये देखो बिल्ली और कुत्ते का आमना सामना हो गया है। ये देखो बिल्ली देख रही है क्या चीज़ है जिसे बैठते हो भागते। प्रिंसेस ने बिल्ली को भगा दिया, भाग गए। देखिए थोड़ा थोड़ा सूरज निकल आया है, बहुत हल्का सा दिख रहा है। इट्स नॉट क्लियर, मतलब कैमरे से तो नहीं दिखेगा। हाँ ऐसे दिखाई देता है। देखिए प्रिंसेस अपनी जगह पे बैठ गई है और बिल्ली देखो, बिल्ली भाग के ना वहाँ पर इधर जाके बैठ गई है। देखो वो कैमरे को देख के डर रही है, सोच रही है पता नहीं क्या चीज़ है। सो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं गाइस, ये सब तो लगा ही रहेगा। सो गाइस देखिए, अभी सूरज हुआ थोड़ा और ज़्यादा चमकदार, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आधा सूरज निकला है, आधा अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन कलर कितना ज़्यादा ब्राइट है। As you can see. So guys, अभी थी ऐसी एक्सरसाइज जो कि बहुत सारे लोगों ने की होगी लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं की होगी। मतलब या तो उन्हें पनिशमेंट के तौर पे वो एक्सरसाइज कराई गई होगी या फिर मजबूरी में करनी पड़ी होगी। तो जी हाँ, आज हम करने वाले हैं उठक बैठक। सो दैट मेक्स योर थाइस मोर स्ट्रॉन्गर। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपको उठक बैठक करनी है। और ये कितनी करनी है ये आपको एक्चुअली बोलते हैं 20। अगर आप उठक बैठक करते हैं डेली तो आपको कभी भी जॉइंट्स और लेग से रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। एक्चुअली जो बुढ़ापा आता है वो कहते हैं हमेशा पैरों से आता है। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज में उठक बैठक को शामिल करेंगे सो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ बनाइए अपने आप को। देखते रहिए हमारे वीडियो। सो गाइस, फाइनली एक्सरसाइज मेरी हो गई है और मैं अभी जा रहा हूँ नीचे प्रिंसेस का। प्रिंसेस कम इसको उठा के चलते। सो गाइस, नहा धो के मैं एकदम रेडी हो गया हूँ और अब भी अपने बाकी काम स्टार्ट करेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट काम भी हैं कंप्यूटर पे, सो लेट्स डू दैट। एंड उसके बाद फ्री होके थोड़ा खाना वाना खाते हैं और बीच में शॉर्ट्स हमारे आते ही रहते हैं, आप देखते रहें। सो गाइस, शाम का वक्त हो गया है, डॉग्स को खाना वगैरह भी दे दिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। ये देखिए इसमें है मेरी जीन्स, क्योंकि कुछ जीन्स की मेरी जिप ख़राब हो गई है तो मुझे वो ठीक करानी थी। लेट्स सी कोई मिलता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसे कभी रिपेयर कराई नहीं है, पैंट पहली बार करा रहा हूँ। सो लेट्स सी कोई मिलता है या नहीं मिलता है। सो ऑटो हमारा रेडी है, ऑटो में ही जाएंगे क्योंकि शाम का वक्त है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है एंड मुझे ड्राइविंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके ट्रैफिक में। हाँ बस बढ़िया। सो
गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, इतने निकल चुके हैं और मौसम तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay. So guys, jeans to maine apni de di hai ek dhone ke liye. Aur abhi hum log aage ja rahe hain market mein. Kuch aur bhi ghar ka samaan le rahe the, tops ke price bhi khatam ho gaye the, to wo bhi le lete. To फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर। Tune for the rest of the show. So guys, finally मुझे मार्केट में आ चुके हैं अपना सामान लेने, और ये देखिए देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ राइस। एंड हमें जो चाहिए डॉग्स के लिए वो हम केरला राइस यूज़ करते हैं, तो हम केरला राइस लेके जाएंगे। कोई डॉग खाता है हमारे साथ? So this is the Kerala rice, which is called red rice also, which is very good for the pet and for human beings also. हम लोग तो फिलहाल डॉग्स को ये खाते हैं ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. गाइस शॉपिंग हमारी हो गई है और अभी हम बस निकलने ही वाले हैं यहाँ से थोड़ी देर में। उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर वापस घर जाएंगे, क्योंकि सुबह किड्स को स्कूल भी जाना है। सो गाइस हमारा मसाला डोसा आ चुका है और अभी खा लेते हैं इसको, और दूसरा ऑनियन उत्तम भी रेडी है, तो फटाफट खा लेते हैं और फिर घर निकलते हैं घर के। प्रिंसेस आ जा। सो गाइस फाइनली घर पे हम लोग आ गए हैं, सामान जो जो लाना था हो गया है, और इसी के साथ हमारा दिन भी अभी आज समाप्त हुआ। सो गाइस कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको मिलकर सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।